Hello, class 6th. Today I am going to start a new chapter, chapter 13, Robin Hood, a Merciful Man. Once upon a time, this is a story of a man whose name was Robin Hood, and he was a very good man. He was very merciful. Now, let's read this chapter. Once, a, once upon a time in England, there lived a man named Robin Hood. एक बार की बात है इंग्लैंड में एक आदमी रहता था जिसका नेम रॉबिन हुड था वंस ही स्टैंडिंग अंडर अ ग्रेट स्प्रेडिंग ट्री इन शेरवुड एक बार शेरवुड फॉरेस्ट एक बार वो एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा था जो कि काफी दूरी तक फैला हुआ था शेरवुड फॉरेस्ट में हिज मोस्ट फेथफुल कंपेनियन नेम्ड लिटिल जॉन वेंट अप टू हिम एंड सेड फिर क्या होता है जब वो उस पेड़ के नीचे खड़ा रहता है तो उसका कंपेनियन मीन्स होता है साथी जो उसका एक साथी रहता है पेटफुल ईमानदार साथी जिसका नेम लिटिल जॉन रहता है वो उसके पास आता है एंड सेट और कहता है मास्टर वुडेंट इट बी अ गुड आइडिया इफ़ वी हैड डिनर एज सुन एज पॉसिबल और वो कहता है कि मास्टर क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है एक बेहतर आइडिया नहीं है कि हम जितनी जल्दी हो सके डिनर कर लें भोजन कर लें रॉबिन सेड रॉबिन कहता है आई वुड रेदर वेट अंटिल वी हैव सम बॉर्न बोल्ड बैरन और अदर स्ट्रेंजर टू ईट विद और वो बोलता है मीन्स रॉबिन सिर्फ बोलता है आई वुड रेदर वेट कि मैं वेट करना चाहूँगा मैं बल्कि वेट करना चाहूँगा अनटिल वी हैव सम बोल्ड बैरन जब तक कि हमें कोई बैरन मीन्स होता है जैसे इंग्लैंड में जो अपराधी होते हैं द वन हु हैज़ कमिटेड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक उसे हम बैरन कहते हैं ठीक है uh, जब तक कि हमें कोई एक बैरन नहीं मिल जाता कोई एक अपराधी नहीं मिल जाता और अदर स्ट्रेंजर टू ईट विद या फिर कोई स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मीन्स होता है एन अन नोन पर्सन टू हुट नो हिम ऐसा कोई पर्सन हमें जब तक नहीं मिल जाता हमारे साथ खाने के लिए पर फाइंड सम रिच रास्कल्स और एल्स सम नाइट और हु लिव्ड इन दीज पार्ट्स हु विल पे फॉर द फीस्ट वो ये कहता है कि हो सकता है कि हमें इस तरह के कुछ लोग मिल जाए ठीक है पर हैप्स वी मे फाइंड सम रिच और हमें कुछ अमीर बदमाश रिच रिच रास मीन्स होता है अमीर बदमाश ठीक है वो मिल जाए और एल्स सम नाइट या फिर कुछ हो सकता है हमें कोई शूरवेर मिल जाए या फिर लैंड ओनर स्क्वेयर मीन्स होता है लैंड ओनर या फिर कुछ कोई लैंड ओनर मिल जाए जो कि किज पार्ट्स जो कि इन्हीं पार्ट्स में रहता है हु विल पे फॉर द फीस फीस मीन्स होता है जो भोजन वो करने वाले थे हैवी मीन उसे हम फीस्ट कहते हैं उसके लिए वो पे कर देगा इसीलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं शेरवुड वॉज अ वाइल्ड वुड लैंड देट यूज टू स्ट्रेच लार्ज पार्ट ऑफ द मिडल ऑफ इंग्लैंड शेरवुड फॉरेस्ट जो रहता है वो एक जंगल रहता है पूरा मीन्स पेड़ों से भरा हुआ जंगल रहता है और वो काफ़ी लार्ज पार्ट ऑफ ऑफ द मिडल ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड के बीच के भाग में काफ़ी दूरी तक फैला हुआ था

वो अपराधी थे जिन्होंने uh, नियम को तोड़ा हो ठीक है दैट इज टू से वर मैन who हैड डन something अगेंस्ट द लॉ ऑफ देयर डे और ये कहा जा सकता है कि ये वो आदमी थे जिन्होंने लॉज के अगेंस्ट मीन्स नियम के विरुद्ध जाकर के कुछ किया है अपने दिनों में टू एस्केप एंड टू एस्केप पनिशमेंट दे हैड रन अवे इन टू द फॉरेस्ट और अपने इस मीन्स इस डीड के वजह से अपनी इस गलती के वजह से वो पनिशमेंट से बचने के लिए भागने के लिए टू इस्केप पनिशमेंट पनिशमेंट से बचने के लिए दे हैड रन रन अवे इन टू द फॉरेस्ट और वो क्या किए हैं जंगल में भाग गए हैं पनिशमेंट से बचने के लिए वेयर दे कुड हाइड दैम सेल जहाँ पर वो खुद को छिपा सकते हैं फ्रॉम द किंग्स सोल्जर्स इफ दे शुड बी सेंट आफ्टर देम किंग्स के मीन्स राजा के सैनिकों से बचाव बचने के लिए वो उस जंगल में जाकर के छिप गए हैं अगर वो उन्हें ढूंढने आते हैं उनके पीछे उन्हें अगर भेजा जाता है रॉबिन हुड वॉज देयर लीडर एंड इट वॉज अ कस्टम ऑफ हिज टू ट्राई अ एंड कैप्चर सम रिच मैन ऑन दिस ऑन हिज वे थ्रू द फॉरेस्ट ठीक है फिर क्या था रॉबिन हुड जो रहता है वो उनका सरदार रहता है लीडर रहता है एंड इट वॉज अ कस्टम टू हिज और ये उसका एक रूल था एक नियम था टू ट्राई एंड कैप्चर सम रिच मैन ऑन हिज़ वे थ्रू द फॉरेस्ट और कुछ अमीर आदमियों को पकड़ने के लिए जो कि उस फॉरेस्ट से होकर के जाते हैं उस रास्ते टू गिव हिम एंड एक्सीलेंट मीन और ये उनका उसका रूल था कि वो उसे काफ़ी अच्छा काफ़ी एक्सीलेंट काफ़ी अच्छा भोजन कराता है एंड देन लेट हिम पे फॉर इट बाई हैंडलिंग

किसी भी हार्ड वर्किंग मेहनती फार्मर के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे हिज जो अपने जमीन की देखभाल करता है नॉट टू एनी गुड यो वॉकिंग यो मैन होता है कोई जेंटल फार्मर uh, को हम लोग कहते यो मैन ठीक है तो या फिर तुम किसी भी जेंटल uh, मैन को कि, किसी भले आदमी को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे वॉकिंग नेक्स्ट पेज वॉकिंग इन फॉरेस्ट

मैंने आपको बताया था रिच रास्कल्स के बारे में अमीर बदमाश आ, फैट रास्कल्स मीन्स होता है कि उन्हीं बदमाशों की बात की जा रही है जो लूटपाट करते हैं एंड अबॉट्स मीन्स मुखिया जो ज़मींदार होते हैं मुखिया होते हैं ठीक है ठीके? उन्हें लेकिन जो फैट रास्कल्स है और अबॉट्स हैं मीन्स जो मुखिया हैं ठीक है एंड ऑल दोज हु हैव मेड रिच बाई स्टीलिंग और उन लोगों को जिन्होंने अपने आप को अमीर बनाया है चोरी करके चीटिंग और लाइंग लोगों को चीट करके धोखा देके चाहे झूठ बोल करके दिस यू में बीट तुम्हें उन्हें मारना होगा बाइंड मींस पकड़ना होगा बांधना होगा एंड रॉब और लूटना होगा एंड चीफली द शरीफ ऑफ नॉटिंगम कीप हिम वेरी वेल इन योर माइंड और वो ये भी बोलता है कि मेन जो शरीफ ऑफ नॉटिंगम नॉटिंगम एक प्लेस का नेम है वहां का एक शरीफ नेम रहता है ठीक है शरीफ नाम का एक आदमी रहता है ठीक है और उसके बारे में बोलता है कि तुम उसे अपने दिमाग में एकदम अच्छे से रखो फॉर इन दोज डेज दोन लाइफ इन इंग्लैंड वॉज हार्ड उस उन दिनों में जब इंग्लैंड में जीना काफ़ी मुश्किल था देर वर मैनी रिच पावरफुल पीपल वहाँ पे बहुत से रिच अमीर ताकतवर लोग हुआ करते थे हु थाट नथिंग एट ऑल अबाउट द पुअर जो कि गरीबों के बारे में जरा सा भी सोचते नहीं थे दिस वॉज स्पेशली सो एमंग डे

रॉबिनहुड जिन्हें रॉबिनहुड सबसे ज्यादा नफरत करता था जिनसे ही वुड रॉब देम विदाउट एनी हेजिटेशन और वो उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के बिना किसी बिना किसी हेजिटेशन के लूटना पसंद करता था कि मीन्स वो उन्हें ज़रा सा भी उसे हेजिटेशन नहीं होती थी उन्हें उन लोगों को लूटने में नोटिंगम वॉज द नियरस्ट टाउन टू शेयरवुड फॉरेस्ट शेरवुड फॉरेस्ट के पास का एक टाउन था नोटिंगम द द शरीफ ऑफ नोटिंगम हंट आउट द आउटलॉज एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वेयर ही कुड वेयर ही कुड नेचुरली रॉबिन रॉबिनहुड स्पेशल एनिमी जो शरीफ था नोटिंग Notting, नोटिंगम का शरीफ जो था ठीक uh, out है जिसका जॉब था कि वाज़ टू हंट आउट द आउट लॉज लॉज हैं मींस जो अपराधी हैं उन्हें हंट करने का उसका जॉब था एंड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करके रखना उसका वर्क था उसका जॉब था वेयर ही कुड वेयर ही कुड वॉज नेचुरली रॉबिन हुड स्पेशल एनिमी और वो जो था वो जो पर्सन था मीन्स शरीफ ऑफ नोटिंगम वो रॉबिन हुड का सबसे बड़ा दुश्मन था नाउ ऑन द डे दैट लिटिल जॉन सेट टू रॉबिन हुड नाउ ऑन द डे और उस दिन दैट लिटिल जॉन सेट टू रॉबिन हुड लिटिल जॉन जो रहता है वो अपने uh, means, अपने कंपेनियन मीन्स हुड से कहता है एज वी हैव जस्ट हर्ड ही वॉज एज यूजल वेरी हंग्री एंड हिज नेक्स्ट वर्ड सून शुड हाउ एंशियस ही वॉज फॉर हिज डिनर और फिर जैसा कि वो हमेशा यूज एज यूजल जैसे डेली की जैसे बोलता है वेरी हंग्री एंड हिज नेक्स्ट वर्ड सून शोड हाउ एक्शियस ही उसका जो नेक्स्ट वर्ड रहता है वो ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा भूखा है डिनर करने के लिए इंस्पाइड ऑफ हिज नेम इंस्पायट ऑफ हिज नेम लिटिल जॉन वॉज अ बिग फैलो टॉल एंड वेल बिल्ट मीन्स उसके नाम को छोड़ करके मीन्स जो लिटिल जॉन रहता है उसके नेम को छोड़ के लिटिल जॉन वॉज अ बिग फेलो जो लिटिल जॉन रहता है वो बहुत बड़ा आदमी रहता है टॉल एंड वेल बिल्ट वो लंबा भी रहता है और अच्छी तरह से मीन्स वेल बिल्ट रहता है मीन्स वो उसकी ग्रोथ हो चुकी रहती है सो ऑफ कोर्स ही हैड टू ईट अ गुड डील टू कीप अप हिज स्ट्रेंथ और उसे अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए बनाए रखने के लिए पर्याप्त एक अच्छा खासा भोजन करना पड़ता था इट इज ऑलरेडी लेट इन द डे रिमाइंडेड रॉबिन हु और वो रॉबिन हुड को रिमाइंड करता है कहता है कि दिन में ऑलरेडी uh, लेट हो चुका है नावन सेंडेस्ट सून सो देट वी मे सोनर है और वो कहता है कि यहाँ पेवन हैवन मीन्स होता है स्काई स्वर्ग uh, को भी कहते हैं तो वो ये कहता है कि हो सकता है कि हमें एक नया गेस्ट मिल जाए जल्दी सो दैट वी मे सूनर हैव डिनर ताकि हम जल्दी भोजन कर सके डिनर कर सके फॉर आई एम स्टारविंग इसलिए क्योंकि मैं भूखा हूँ स्टारविंग मीन्स होता है डाइंग ऑफ हंगर मीन्स भूख से तड़पना सो ऑन द एडवाइस ऑफ रॉबिन हुड लिटिल जॉन विल्स कार्लेट एंड मच द थ्री मैन वेंट ऑफ टू दॉल्टिंग स्ट्रीट वॉल्टिंग स्ट्रीट एक स्ट्रीट रहती है गली रहती है उसका नाम वॉल्टिंग वौल्ट, स्ट्रीट रहता है ठीक है और हुड के एडवाइस पे निर्देश पे लिटिल जॉन और विल स्टा, स्टारल, स्टारलेट स्कारलेट और जो तीन आदमी और रहते हैं वो जाने लगते हैं फॉर टाइम दे लुक ईस्ट एंड वेस्ट बट दे सो नो मैन एनी वेयर थोड़ी देर के लिए वो इधर उधर देखते हैं पूरा पश्चिम देखते हैं बट लकीली लेकिन कोई उन्हें आदमी दिखाई नहीं देता है

एंड माइजेबल लेकिन जब वो उसे नोटिस uh, करते हैं उसे देखते हैं ठीक है तो वो ये दिखाई देता है कि उसकी कंडीशन जो रहती है वो सही नहीं रहती है वो काफ़ी uh, बुरे कंडीशन में रहता है देन आफ्टर दैट वन फुट वॉज इन दरअप बट दर डल आउटसाइड उसका एक पैर जो रहता है जो हॉर्स पे चढ़ने के लिए जो एक लोहे की रिंग बनी होती है उसे हम स्टरअप uh, कहते हैं वो उस पर रहता है उस रिंग में बट द अदर डेंगल आउटसाइड और दूसरा पैर जो रहता है वो बाहर लटक रहा होता है ही वॉज शेबिल ही वॉज शेबिली ड्रेस्ड और वो काफ़ी शैबिली मीन्स होता है इन अ बैड कंडीशन वो बहुत ही बुरे तरीके से ड्रेस्ड अप रहता है कंडीशन वॉज सो पिटिएबल दैट लिटिल जॉन बेंट कोर्टियसली बिफोर हिम और उसकी कंडीशन बहुत ही दैनी रहती है पिटिएबल बहुत ही दैनीय स्थिति रहती है उसकी दैट लिटिल जॉन बेंड कोर्टियसली बिफोर हिम कि जो लिटिल जॉन रहता है वो उसे दया के उससे उसके सामने झुक जाता है दया दिखाते हुए लिटिल जॉन सेड टू हिम फिर लिटिल जॉन उससे बोलता है वेलकम सर प्लीज कम टू द ग्रीन वुड और वो बोलता है कि वेलकम सर आपका ग्रीन वुड में स्वागत है माय मास्टर माय मास्टर रॉबिन हुड हैज वेटेड दीज थ्री आवर्स विदाउट ईटिंग फॉर यू टू कम मेरे जो मास्टर हैं उन्होंने रॉबिन हुड ने आपका वेट किया है तीन घंटे भूखे रह करके आपका वेट किया है उन्होंने सो नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज नेक्स्ट द नाइट रिप्लाईव आई हैव हर्ड मच आई हैव मच गुड ऑफ हिम मैंने उनके बारे में काफी बहुत कुछ सुना है बहुत अच्छा सुना है ही इज ब्रेव मैन वो एक बहादुर आदमी है

ग्रीट करता है उसे विद ग्रेट कर्सी एंड रिस्पेक्ट और उसे आदर आदर भाव के साथ आदर और सम्मान के साथ उसका स्वागत करता है रॉबिन हुड फेस्ड क्लियर वाटर फ्रॉम द वेल फॉर हिज गेस्ट टू वॉश ऑफ द डस्ट ऑफ ट्रेवल रॉबिन हुड साफ पानी लेकर के आते हैं अपने मेहमान के लिए ताकि जितनी भी उनकी ट्रेवल की थकान है जितनी भी डस्ट है वो सारे वॉश आउट हो जाए देन दे सेट डाउन टू डाइन और फिर वो भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं

देर वॉज अ ब्रेड देर वॉज ब्रेड एंड वाइन इन प्लेंटी एंड पोर्शन ऑफ डियर फिर क्या होता है कि उनके जो उनका जो मील रहता है उसमें ब्रेड रहता है वाइन रहती है थोड़ी विथ प्लम्प एंड टेंडर वाटर फॉल फिश फ्रॉम द रिवर एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग डिसाइड और उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं फिश रहता है रिवर में से निकला हुआ फिश रह, भी रहता है और जितनी भी अच्छी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें रहती हैं

आई विल ऑफ़र यू एज गुड अ डिनर एज दिस यू हैव गिवन मी और वो ये बोलता है नाइट जो रहता है वो रॉबिन से ये बोलता है कि अगर मैं इन पार्ट्स में फिर से आता हूँ मीन इस इन हिस्सों में अगर मैं फिर से आता हूँ रॉबिन दैन आई विल ऑफ़र यू तो मैं भी आपको ऑफ़र करूँगा एज गुड अ डिनर एज दिस यू हैव गि मी मीन जितना अच्छा डिनर आपने मुझे दिया है मैं उतना आपको उतना अच्छा डिनर कराऊँगा दैट्स ऑल वेरी वेल रिटर्न

जब वो ये रेडी हो जाएगा बट वुडेंट इट बी बेटर फॉर यू फर्स्ट टू पे फॉर दैट पे फॉर फिर क्या होता है कि जो नाइट uh, रहता है उससे बोलते हैं कि बट यू इट बी बेटर फॉर यू टू पे फॉर हैव ईटन कि जो आपने खाया है उसका उसका पे कर दिया जाए मीन्स आप उसे पहले पे कर दीजिए आफ्टर दैट इट इज यू मैन टू पे फॉर द डिनर ऑफ अ नाइट और ये एक कस्टम है एक रूल है जो कि कोई भी नाइट हो कोई भी हो वो इसके लिए पे करता है मीन्स जब भी वो डिनर कंप्लीट कर लेता है तो ये तो वो उसके लिए पे करता है फॉर for दिस this, for this और येड का, ये का लोगों से गेस्ट और ये ही मेन रीजन रहता है कि वो लिटिल uh, जॉन को एक गेस्ट ढूंढने के लिए भेजता है But the knight quietly, लेकिन जोट रहता, जो रहता है जो शुरता है वो धीरे से जवाब देता है कहता है सर आई हैव ओनली टेन शिलिंग्स एंड नथिंग मोर टू ऑफर यू आई एम सॉरी और वो बोलता है कि सर मेरे पास सिर्फ टेन शिलिंग्स ही हैं आपको देने के लिए और इससे आई एम सॉरी इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए रॉबिन हुड आज लिटिल जॉन टू सर्च हिज़ बैग लिटिल जॉन सर्च हिज़ बैग एंड फाउंड ओनली टेन शिलिंग्स और रॉबिन हुड लिटिल जॉन को उसके बैग की तलाशी लेने को कहता है

और या फिर आप कोई बेवकूफ़ हैं या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट मीन्स होता है जो फालतू के खर्चे करता है ठीक है और यू हैव और हैव यू रैदर लॉस्ट योर मनी या फिर आपने अपने पैसे खो दिए हैं और पॉसिबली यू हैव बीन अ मनी लेंडर और अ ड्रंकन या फिर आप कोई कर्ज बांटने वाले या फिर ड्रंकन या फिर कोई ड्रंकन पर्सन है एंड वेस्टेड योर लाइफ जिसने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया है

एंड नॉट मोर देन टू और थ्री ईयर्स एज मैनी यहाँ तक कि ना ही दो या तीन साल से जैसा कि मेरे पड़ोसी भी आपको बता सकते हैं आई कुड स्पेंड विंड्रेड गुड गुड मनी हंड्रेड पाउंड ऑफ गुड मनी ना आई हैव नो गुड्स लेफ्ट बट माई डियर वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा है एक्सेप्ट सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के सिवा गॉड हैजर्ड दिस तक मैं ऐसा ही रहूंगा हाउ डिड यू लूज सो योर रिचे आज रॉबिन फिर रॉबिन उससे पूछता है कि तुमने अपनी ये जो मतलब रिचेज जो आपके आराम थे ठीक है ये जो आपका धन दौलत था वो आपने कैसे खो दिया बाई माई ग्रेट फॉली एंड काइंडस एंड

और जब वो उस अबॉर्ड के बारे में सुनता है तो वो उससे पूछता है सर द अबॉर्ट लेंट मी 400 पाउंड्स अगेंस्ट माय लैंड और वो बोलता है कि नाइट उसे रिप्लाई करता है कि जो अबॉर्ट है उसने मुझे 400 पाउंड्स दिए हैं मेरे लैंड के बदले एंड इफ यू लूज योर लैंड व्हाट विल बिकम ऑफ यू एज रॉबिन फिर रॉबिन उससे पूछता है कि अगर तुम अपनी जमीन खो देते हो तो तो अब तुम

फेयर वेल फ्रेंड्स देर इज़ नो बेटर वे तो फिर वो उससे विदा लेता है और बोलता है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है टीयर्स फील्ड नाइट्स आइज एंड ही मेड अ मोवमेंट टू गो और इतना कहकर वो जाने का मूवमेंट बना लेता है जाने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं बट रॉबिन स्टॉप्ड हिम एंड आस्ट वेयर आर योर फ्रेंड्स और फिर रॉबिन लेकिन उसे रोकता है और पूछता है कि लेकिन तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं सर देर आर नन विलिंग टू नो मी नाउ और वो बोलता है मिस नाइट रिप्लाई करता है कि अब मुझे कोई जानना नहीं चाहता है कोई भी ये नहीं चाहता कि मुझे जाने वेन आई वॉज रिच एनफ जब मैं पर्याप्त अमीर था एंड एट होम अपने घर पर था दे वर ग्लैड टू कम एंड फ्लैटर मी वो मेरे पास आना पसंद करते थे बट नाउ दे आर शन मी लेकिन अब वो मुझे अवॉइड करते हैं शन मीन्स होता है अवॉइड अवॉइड करते हैं धक नाइट्स स्टॉरफुल स्टोरी टच द हर्ट्स ऑफ लिटिल जॉन एंड विल्स कार्लेट सो मच दैट दो strong मैन wept फॉर पिटी लाइक women. और उसकी ये दुखद कहानी सुन कर के जो लिटिल जॉन रहता है और विल्स कार्लेट रहते हैं वो बुरी तरीके से रोते हैं इतनी ज़्यादा उन्हें दया आ जाती है वो एक वुमेन के जैसे रोते हैं कम लेटस हैव सम मोर वाइन क्राइड रॉबिन और फिर रॉबिन उनसे बोलता है कि चलो हम थोड़ी और वाइन लेते हैं देन रॉबिन गिव हिम फोर हंड्रेड पाउंड्स एंड थ्री यार्ड्स ऑफ क्लॉथ्स फॉर एवरी कलर ऑफ एवरी कलर फिर रॉबिन उसे फोर हंड्रेड पाउंड्स देता है और थ्री यार्ड्स ऑफ क्लॉथ्स हर कलर के थ्री यार्ड्स क्लॉथ्स देता है रॉबिन ऑर्डर लिटिल जॉन गिव हिम अ गुड अ गुड ग्रे हॉर्स ऑल्सो और रॉबिन जॉन को ऑर्डर देता है कि तुम उसे एक ग्रे कलर का हॉर्स भी दे दो एंड पुट अ न्यू सैंडल ऑन इट टू कैरी होम ऑल दीज गुड्स और उस पर एक नया सैंडल रख दो ताकि ये जितनी भी सामान है ये अपने घर ले जा सके एंड वट विल यू गिव हिम लिटिल जॉन स्माइल रॉबिन रॉबिन हुड और रॉबिन हुड स्माइल करके उससे पूछता है कि तुम इसे क्या दोगे लिटिल जॉन से पूछता है कि तुम इसे क्या गिफ्ट दोगे क्या दोगे सर अ पेयर ऑफ शाइनिंग ग्लिट्स पर टू प्रे फॉर ऑल दीज कंपनी मैं इसे एक बेस्ट विशेष दूंगा ठीक है कि मींस uh, जो भी इसकी और प्रे करूंगा कि जितनी भी इसकी मींस ट्रबल्स हैं ठीक है मे गॉड ब्रिंग हिम आउट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स और मैं ये भगवान से प्रे करूंगा कि इसकी जितनी भी परेशानियां हैं ये उनसे बाहर निकल पाए द पुअर नाइट फॉर ऑल हिज पार्ट्स हार्डली न्यू हाउ टू थैंक रॉबिन और जो uh, बेचारा नाइट रहता है फॉर फॉर हिज पार्ट हार्डली न्यू हाउ टू थैंक रॉबिन हुड और वो बड़े ही मुश्किल से ये जानता था कि वो किस तरीके से रॉबिन uh, की जो काइंडनेस है काइंडनेस एंड चैरिटी टूवर्ड्स हिम जो उसके uh, प्रति काइंडनेस दिखा रहा है वो उसका उसे थैंक कैसे करे He डिपार्टेड हिम हैवी heart एंड blessing for Robin in his heart. और फिर वो वहाँ से विदा ले लेता है वहाँ से निकल जाने लगता है विद हैवी हार्ट भारी हृदय के साथ एंड ब्लैसिंग फॉर रॉबिन इन हिज हार्ट और रॉबिन के लिए ब्लेसिंग्स लेकर के वो वहाँ से चला जाता है दैट से दिस वॉज द स्टोरी ऑफ रॉबिनहुड अ मर्सीफुल मैन